सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर अब भाई। क्या स्क्रीन बोल रहे थे शेयर टेस्ट सीरीज के बारे में सर, थोड़ा बता देते हैं, समझ में नहीं आया। टेस्ट टेस्ट सीरीज जो है आपकी पर्टिकुलर बनवाई है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो सकती। वो क्वेश्चन डायरेक्ट सेट पे ही ऐप पर ही टाइप है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं तो मुझे देने में कोई एतराज नहीं था, पीडीएफ निकाल के यस आपको सर। दे देता। वो वहीं पर आपको टाइप मतलब टाइप्ड मिलेंगे, वहीं आपको आंसर देना है। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है और बहुत बड़ा खर्चा नहीं है आपका, कोई आपसे बहुत बड़ी चीज नहीं ली जा रही है। हाँ सर, और ओके। 300 रुपए में आपको केमिस्ट्री भी मिल रही, जीके भी मिल रही, सब मिल रहा है, तो यार और क्या ले सकते हो आप? तो यस बहुत बड़ा वहां से कोई आपसे चीज नहीं ली जा रही है। अगर आप देखोगे तो 500-600 क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रॉपर वे में टेस्ट देके अपनी ऑल इंडिया रैंक को पहचानना, और हर चीज कनेक्शन जो किया गया है वो टोटल ऑल ओवर इंडिया की जो टेस्ट सीरीज है उनसे जोड़ा गया है, इसलिए वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो सकती है। मैं ये सर, कहना चाहता 300 होंगे सर जी। ओके, हाँ 300 में है, 299 में। और इस आज तो की पे रात में सुनो सुनो ये सभी लोग सुन लो, आज की रात में जो लोग ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लेंगे उनके लिए वो 20 रुपए में 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा है टैब। ये सब हम लोगों के एक्सपर्ट के थ्रू टाइप्ड रहती हैं, हम उन्हें क्वेश्चन देते हैं, वो लोग टाइप करते हैं डायरेक्ट। आप जान रहे हैं कि हमारे पास 500 क्वेश्चन टाइप करने का नहीं समय होगा, ये आप भी जान रहे होंगे, है ना? तो मतलब क्या करना है कि आपको जाना है खट से, जो झारखंड वाला आपको 300-299 की है उस पे, और झारखंड वाले पे दोनों पे क्लिक कर दोगे तो खट से आपको एकदम पूरी टेस्ट सीरीज 320 सर, या 310 एक 300 का भी है सर, दो वहां पे दिखा रहा है, एक 300 का, एक दो हाँ सौ नहीं निन्यानवे नहीं का बात दिखा समझे, 299 का जो परचेज करोगे। माइक पहले अपना ऑन करो, आप गौतम अपना माइक ऑन, ठीक। अब देखो ये बोल रहा हूं, ये लैब असिस्टेंट झारखंड, ठीक है, प्लस लैब असिस्टेंट नवोदय, इसमें काम करेगी। और केवल झारखंड के लिए जो 300 की टेस्ट सीरीज है वो मात्र 20 रुपए में इसमें जुड़ जाएगी, 20 रुपए में। तो आपका खर्चा हुआ 299 प्लस 20 रुपए, तो ये हो गया आपका कितना हो गया, 320 रुपए मान लीजिए। आप 320 रुपए में फुल केमिस्ट्री आपकी जुड़ गई, नवोदय विद्यालय जुड़ गई, 1 साल वैलिडिटी मिल गई आपको, वैलिडिटी 1 साल में। यार 1 रुपए क्वेश्चन भी, 1 रुपए पर डे भी नहीं जा रहा है कायदे से, तो कायदे से तो 1 रुपए पर डे भी नहीं जा रहा है। तो ये सब चीज मान के चलिए कि बिल्कुल फ्री सेवा में है, बहुत ज्यादा इनसे कॉस्ट नहीं ली जा रही है। 300 की चीज आपको 20 रुपए में प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इसमें सर, केवल एक हम लोग लेंगे तो एक्स्ट्रा हम लोग को फायदा मिल जब पहले 200, लेकिन पहले शर्त जाएगा। यही यस है कि सर, 299 की परचेज करोगे तभी ये कूपन काम करेगा, नहीं तो कूपन ही नहीं काम करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? अगर आप यस ऐप पर यस जा रहे हो तो कूपन दिखाएगा झारखंड लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, ये खट से 300 वाली 20 रुपए में जाएगी, 18 रुपए कुछ पैसे में, 20 बोल रहा हूँ। तो अगर आप इसे आज की रात में परचेज कर लेते हो तो मुझे लगता है नुकसान आपका नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो दे ही रहा हूँ, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ ना कोई प्रेशर डाल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन किस ऑल ओवर इंडिया की रैंक निकालना, अपने आप को समझना, ये थोड़ी सी चीजें जो होती हैं वो इंडिया लेवल से जोड़ने के बाद ही होती है। नेट को पूरा जोड़ना पड़ता है, पूरा जोड़नी पड़ती है टेस्ट सीरीज को, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे बेटर है, आपकी इच्छा है, ठीक है ना? चलिए हम अपना काम कर लेते हैं, माइक ऑफ रखिएगा, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे पूरा। किसका? सर, इसका पीडीएफ भी मिलेगा सर? यही है सर, टेस्ट सीरीज का। देखिए सर, टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जो मेरे पास में है, जैसे जो टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मैं दे सकता हूँ वो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन जो मैंने टाइप करवाई है डायरेक्ट ऑनलाइन तो वो पीडीएफ नहीं मिल सकती है आपको। कारण ये कि जो इंसान ने डायरेक्ट सर्वर पे ही टाइप कर दिया है तो वो पीडीएफ कैसे बनेगी, तो आप भी जान रहे होंगे, ठीक है ना? वो पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक लेकिन जो मैंने टाइप करवाई है अपने हैंड से, यहीं से अपने अपने लड़कों से टाइप करवाई है, वो पीडीएफ मैं दे ही देता हूँ अक्सर, वो रोकता नहीं हूँ अपने पास। उसमें लेकिन सर जो दिल्ली सॉल्यूशन से भी टाइप दिया है करवाई शायद, हूँ, सर हाँ सॉल्यूशन का भी जिन सेक्शन जो दिया है हाँ उसमें। सॉल्यूशन, तभी तो दिल्ली से टाइप करवाई, ये सब टेस्ट सीरीज मैंने पूरी दिल्ली से टाइप करवाई है, जो टाइपिस्ट एक्सपर्ट होते हैं
उन्होंने टाइप की, इसलिए उनकी स्पीड बहुत होती है कि एक दिन में तीन तीन सौ चार सौ क्वेश्चन कर देते हैं वो लोग, समझ रहे हो? नहीं तो ये बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग बाकी लोग भी 300 रुपये खर्च करके ले लोगे तो मुझे लगता नहीं, मैं आपसे बहुत बड़ी रकम नहीं ले रहा हूं, मेरे जेब में नहीं आ रही वो डायरेक्ट, तो आप ये जान रहे हैं कि आपका इतना बड़ा बेनिफिट होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत प्रॉपर वे में सॉल्यूशन के साथ मिल रही है, तो वो अलग बात सर है। मैं अभी आपको कल, बता, सर कल मॉर्निंग में करें तो कितना लगेगा? अभी मुझे लगता है कि 12 घंटे के लिए 20% ये जो 94% ऑफ जो रखा है वो 12 घंटे के लिए, और ये 2 बजे किया गया था, तो हमें लगता है कि कल मॉर्निंग तक वो 24 घंटे के लिए किया गया, तो कल 2 बजे तक रहेगा, लेकिन कल जी तक कर जी लीजिए, फिर हटा दिया जाएगा, ये कूपन हटाया जी जाएगा सर, कल। और कल करेंगे सर। मैं राय दूंगा कि 300 वाली टेस्ट सीरीज मैक्सिमम लोग ले लीजिए। उसका कारण ये है कि पहले, लेकिन 299 लेना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा जी कूपन, बाद में कहोगे सर ये हम पे हो नहीं रहा है, दिक्कत और बढ़ जाए मेरे लिए, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए, आज रात में अगर आप 299 ले लोगे तो कल सुबह 20 रुपए का कूपन करोगे, कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन सीधा कूपन करने की कोशिश करोगे तो फिर उधर से ब्रेक लग जाएगा ऐप की तरफ से, फिर ब्लॉक हो जाओगे कट से, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, कल तक कर सकते हैं, 2 बजे तक ना? हाँ हाँ कल ले लीजिएगा, कल ले लीजिएगा, 24 घंटे के लिए कौन कूपन लगाया गया है। कोई बुराई नहीं, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, कोई बुराई नहीं है। बाकी जो पीडीएफ मेरे पास होंगी वो तो मैं देता हूँ, मना नहीं करता हूँ कभी भी, आपने मांगी होगी तो मैंने कभी नहीं मना की है, लेकिन जो मेरे सर वो पीडीएफ जो दे रहे हैं वो झारखंड के सिलेबस लैब के अनुसार थे? के लिए, बिल्कुल 100% जो दे रहा हूँ झारखंड। अच्छा ये बताओ सूरज यार, अभी तक मैंने तुम्हें झारखंड से बाहर ले गया हूँ? नहीं ले गया हूँ ना, झारखंड नहीं का नहीं हालत नहीं वो ऐसा नहीं है, पूछ रहे, जो आपका टेस्ट सीरीज है उसका पूछ रहे सर। उसका पूरा झारखंड ही है, झारखंड लैब असिस्टेंट की अलग से बनवाई है टेस्ट सीरीज, जो बढ़िया क्वेश्चन बने हैं उनमें से 100% आपको मैं उम्मीद करूंगा कि 20 से 25 क्वेश्चन डिट्टो छपे मिलेंगे आपको, और 20% रैंक बढ़ाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप लैब असिस्टेंट के लेवल की तैयारी कर, मतलब जो कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होगा सूरज कि 2 4 5 क्वेश्चन अगर मैं लैब असिस्टेंट मटेरियल बनवाऊंगा तो क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं ऐड करूंगा कि थोड़े से लेवल हाई भी रखूं जो किसी और के भी काम आ जाए? मैं तो पूरा पर्पजली काम करूंगा ना उस पे, तो इसलिए बोल रहा हूं कि बढ़िया टेस्ट सीरीज है, अगर आप उसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है आपके लिए, 1 साल के लिए, पूरे 1 साल फ्री रहोगे, अगले पूरे नवंबर तक काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर ये बातें होती रहेंगी, अच्छा स्पेशल लैब के लिए है ना? यस हाँ वो स्पेशल लैब की ही बनी है, सर, हम लोग चैप्टर कोर्स के साइड। वाइज। हाँ चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। हेलो सर, वो 20 रुपये वाला कूपन परचेज है सर, कैसे करें? आप वहीं जाइए जहां पर झारखंड लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, उसी पे क्लिक कर दीजिए, अपने आप कूपन का आ जाएगा, 18 रुपये कुछ पैसे का है, ले लीजिए। तो वो एरोमा के ऐप पे जाएंगे, वहीं पे झारखंड बड़ा बड़ा लिखा। हाँ लिखा है उस पे, लिखा है कूपन बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है? अब मुझे पढ़ाने दीजिए अच्छा आप, ठीक अच्छा है? ठीक है सर, वो बाद में कर लेंगे। हाँ देखिए, फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात चल रही थी, क्योंकि अभी मैंने म्यूटा रोटेशन पढ़ाया था, अभी आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो फ्रक्टोज के इस स्ट्रक्चर पे मैं पहले जाऊं, आपको पता होना चाहिए कि फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर दयानंद साहू जी ने बताया था कि सर ये फ्यूरॉन है, उस समय फ्यूरॉन नहीं था, अब फ्यूरॉन बनेगा। दयानंद जी, ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर माना जाता है, ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर माना जाता है, और अगर ये अंदर बॉन्ड हटा दें तो THF का स्ट्रक्चर बन जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बन सर जाता है ना, पता है? तो जो अगर ग्लूकोज है जिसको थी फ्यूरोनोज के स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है क्या? एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो फिर से जो बोलो ग्लूकोज है उसका बोल रहे कि ग्लूकोज इसको फ्यूरोनोज के स्ट्रक्चर में ये किया जा सकता। कर सकते हैं लेकिन हाँ वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है वो, कर सकते हैं वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है, होता हाँ वो है क्वेश्चन बना रहे थे तो आया था इसलिए पूछ। वो बन सकता है, हाँ है उसमें, नो नहीं है आंसर, ठीक है? देखिए अब इसमें हमने क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का डिस्कशन आपसे कर चुका हूं कहीं पर, मुझे याद है अच्छे से मैंने आपसे किया था, ये था फ्रक्टोज का, इसी का मैं अब पायरेनोज स्ट्रक्चर, मैं यहां पर एक स्टार बनाए दे रहा हूं और यही स्टार आगे बना दूंगा कि पायरेनोज स्ट्रक्चर यहीं से ड्रॉ करूंगा, अल्फा डी निगेटिव, अल्फा डी निगेटिव फ्रक्टो फ्यूरानोज बोलूंगा,
और बीटा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज इस तरीके से बोलूंगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान दीजिए आप कि अब हम लोग यहां वापस आ गए, वही कलम उठा रहा हूं, वही स्टार बना रहा हूं यहां पर, यहीं पर अब आपको मैच कर जाए। माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करें। ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से लिया मैंने ये, और यहां पर मैंने इस तरीके से फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया। ये देखें ध्यान से, इसमें मैंने इस तरीके से लाइनें खींच ली, ये लाइनें खींच ली हैं ये ऐसे करके। अब मुझे क्या करना है, यहां से चलना है। ध्यान दो, सबसे पहले मैं CH2 जोड़ूंगा OH, फिर इसके नीचे OH लगाऊंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, अल्टरनेट चलना है, OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, H नीचे और ऊपर, फिर बेटा यहां क्या आएगा, CH2OH। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। क्या बोलोगे इसे, फ्रक्टोफ्यूरानोज। बनाने का तरीका क्या है, बीटा कैसे बनाओगे, इसे नीचे ले आओ और इसे ऊपर ले जाओ, अपने आप ही बीटा बन जाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसे ऐसे बनाओ, फिर ऐसे खींचो, फिर ऐसे खींचो आप, फिर ऐसे खींचो आप, फिर ऐसे करो, इसके बाद यहां पर इस तरीके से जाने दो, 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 ये हो गया। तो यहां पर अब आप ले लीजिए, पलट दीजिए, OH यहां आ गया, CH2 यहां आ गया, सॉरी हाँ CH2OH यहां आ गया, बाकी कोई चेंज मैंने किया नहीं है, तो एज इट इज रखा जाएगा। ये भी OH आ गया, सही बन रहा है सूरज, ये हो गया, बताओ यार, CH2OH हो गया, इसका नाम हो गया आपका बीटा डी माइनस, बताओ क्या नाम है, फ्रक्टो फ्यूरानोज। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। ध्यान दीजिएगा, दोनों स्ट्रक्चर में से पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर पेपर में बन के आ सकता है और बनने के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ कि स्ट्रक्चर ये कौन सा है, या स्ट्रक्चर किसका है, स्ट्रक्चर में कौन सा बीटा है, कौन सा गामा है, एंड सो ऑन। इस तरीके के स्ट्रक्चर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आज सभी ने क्वेश्चन देखे, मैंने क्वेश्चन डाले थे आज 50 क्वेश्चन की वीडियो पढ़ी थी, देखी थी आप लोगों ने, नहीं देखी थी सर, हमने तो देखी ही नहीं, कौन सी वीडियो, यूट्यूब में है क्या, हाँ यूट्यूब पर पढ़ी थी सर, वो वाला में स्टार्टिंग में देखे थे तो क्लियर नहीं आ रहा था, तो फिर हम छोड़ दिए। नहीं उसे देखो पूरा, क्लियर तो HD पे अपलोडेड है, आप उसका वो बढ़ा लिया करो, क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन बढ़ा लो। अच्छा ठीक, एक सर कल या परसों 15 क्वेश्चन जो डाले थे वो लो देखे थे सर। नहीं नहीं अभी मैंने 50 डाले हैं आज। इसके बाद देखो एक है इंटर कन्वर्जन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करिएगा लैब असिस्टेंट और PGT दोनों के लिए, नवोदय के लिए तो वरदान साबित हो जाएंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ सर, नवोदय का कोई डेट आएगा तो बताइएगा। नवोदय की डेट लगभग फाइनल है यार, लगभग फाइनल सर, 18 बीच में पेपर है, 28 से 1 के बीच में होना तय है लगभग। पहला हमारा सर एग्जाम पोस्टपोन हो गया है ना, कौन कह रहा है, NBS का जो ये नोटिफिकेशन उसमें थर्ड में लिखा हुआ है, थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड में हम देखे थे, क्या लिखा है दिखाओ, हमें भेजना, हाँ सेंड कर देंगे, वहाँ पे लिखा है कि जो प्रिंसिपल का और PGT का एग्जाम उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, CVT का भी, देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम एक कन्वर्जन पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। अब कौन बताएगा, कोई बता सकता है, बताओ भाई, बताओ कोई लोग,
सर इसमें फेंटोन रिएजेंट यूज होता है क्या? फेंटोन रिएजेंट अभी नहीं यूज होगा इसमें, पहले हम आपसे पूछेंगे, थोड़ी दिमाग आपका भी लगवाएं, क्योंकि अभी तो हम लगातार बोल रहे हैं और आप लोग अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। बताइए जल्दी से। नहीं बताएंगे, कसम खाली क्या? मिथाइल ऑक्सिम का यूज करना होगा क्या सर? याद नहीं आ रहा सर। नहीं नहीं करो यार, NH2OH का यूज करना पड़ेगा शायद। लग रहा है किसका यूज करना पड़ेगा? हाइड्रोजन सर, NH2OH का ऑक्सिम बनाना पड़ेगा शायद। नहीं, NH2OH का नहीं करेंगे। देखो अब मैं बताता हूँ, अब ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। देखिए सुनिए समझिए, अब आप माइक ऑफ करिए, मैं बताता हूँ। देखो ये कंपाउंड है हमारे पास में ग्लूकोज, एक मिनट, एक लोगों का फोन आ रहा है, जरा इन मैसेज कर दूं, मैं अभी क्लास ले रहा हूं। देखिए ये हो गया हमारा CHO CHOH, जैसा मैं लिखता था, थोड़ा और डिजाइन में लिख दूं, अभी फोन पे टाइप करने लगा था। यहाँ पर C, यहाँ H, यहाँ पर H OH हो जाएगा, यहाँ पर सी ओ एच हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा। क्यों भाई? ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पर ओ एच हो गया, यहाँ पर एच हो गया, यहाँ सी एच टू ओ एच हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ आपने क्या देखा, सबसे पहले मैं काम करूंगा सर, फिफ्थ कार्बन में जो ओ एच है वो लेफ्ट साइड होगा। हाँ नहीं, राइट कार्बन, राइट नहीं, ये वाला ओ एच राइट रहता है। नहीं, 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 लास्ट जो ऊपर है सी एच टू के ऊपर, ये भी यही रहता, राइट ही रहता है वो, ठीक है। हमने आपको बताई थी बात, नहीं लेफ्ट होगा भाई, राइट ही रहता है, आप परेशान ना हो। सबसे पहला काम ये करना है कि हमें, आप देखिएगा आराम सुकून से, मुझे कंफर्म है, यहाँ पर मैं लेता हूँ फिनाइल हाइड्रेजीन, तो ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी, फिनाइल हाइड्रेजोन बनता है, पढ़ाई थी नहीं कल? हाँ बोलो यार एक बार। सी एच डबल बॉन्ड NH C6H5 ये बनता था, सी डबल बॉन्ड ओ की जगह क्या बन जाता था, सी डबल बॉन्ड NNNH C6H5 बन जाता था, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर CH2OH। ये मैंने इस तरीके से कंडीशन रखी। अब जैसे ये कंडीशन रखी तो ये आपको दिखाई दे गया, डायरेक्ट बना दिया मैंने, जो तीन स्टेप का था रिएक्शन जो कल पढ़ाया था, डायरेक्ट लिख दिया है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोसा जोन, क्या बोलते हैं? ग्लूकोसा जोन, इसे ग्लूकोसा जोन। अब ध्यान से सुनना, अगली स्टेप में हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। अब ध्यान से देखना दयानंद, जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराया एसिडिक मीडियम में, तो खट से पानी इस पे डाला, तो यहां से ओ हो गया, यहां से एच टू हो गया, यहां से डॉट डॉट ओ हो गया, यहाँ एच टू हो गया। तो अब आपको दयानंद क्या निकलता हुआ दिखाई दिया? आपको दो मॉलिक्यूल C6H5NH एनिलीन निकलेगा, दो मॉलिक्यूल। हां एनिलीन नहीं, NH NH2 पूरा गया, हाइड्रोजन जो जुड़ा था वो सब चला गया। अच्छा हां, अच्छा फिनाइल हाइड्रोजन जाएगा वापस, फिनाइल हाइड्रोजन। तो यहां पर CHO रह गया, नीचे वो वापस मिल गया जो कंपाउंड मिलना था, देखो ये मिल गया। अब डायरेक्ट लिख दूं, अब तो कोई टेंशन है नहीं, चाहो तो आप वैसे लिख दो जैसे लिखना था। देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, एक चीज रहस्यमयी है जो यहीं पर साफ हो जाएगी, खुल जाएगी बिल्कुल। देखो ध्यान से, दिमाग खोल दूंगा आज आपका, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। देखो ध्यान से, अब जो कंपाउंड ये बना है इसको करा दो रिडक्शन, और जैसे ही अगले पेज पे रिडक्शन कराओगे तो मुझे ये दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि पन्ना पलट चुका है, इसे दोबारा कॉपी कर रहा हूं भाई, ये वाला हिस्सा दोबारा कॉपी करना पड़ेगा मुझे,
कर दूं। चलो ये हो गया हमारा सी एच ओ, ये हो गया सी एच ओ, नीचे हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ हो गया सी एच, यहाँ हो गया आपका ओ एच, यहाँ हो गया सी ओ एच, यहाँ हो गया एच, यहाँ हो गया सी ओ एच, यहाँ हो गया एच। आवाज मेरी आ रही है? देखो ये कंपाउंड बना, ये जो पीछे वाला उसी को कॉपी मैंने कर दिया है, उसी को कॉपी किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर जिंक और एसिटिक एसिड के साथ इसे रिड्यूस करा देता हूँ। जैसे रिड्यूस कराऊंगा, ऊपर हो गया सी एच टू ओ एच, ऊपर हो गया सी एच टू ओ एच, नीचे हो गया आपका सी, बताओ क्या हो गया नीचे? हाँ ऐसे ही रहा, सी ओ हुआ, यहाँ पर सी, यहाँ पर आपका सी वही था, ओ एच हो गया, यहाँ एच हो गया, यहाँ सी ओ एच हो गया, यहाँ एच हो गया, बन गया फ्रक्टोज, बन गया फ्रक्टोज। अब खास बात क्या है, ध्यान दो सूरज, देखो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इट रोटेट द पीपीएल क्लॉक वाइज। ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज कैसा है सपना, ये डी है और साथ में प्लस भी है। डी इसलिए क्योंकि पांचवें नंबर का ओ एच राइट हैंड साइड पे है, और प्लस इसलिए क्योंकि लाइट को ये क्लॉक वाइज घुमा रहा है। जबकि ये फ्रक्टोज जो बना है, ये डी तो है लेकिन ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि ये एच एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन दे रहा है, और डी का मतलब ओ एच इज एट राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू द सी एच टू ओ एच। तो ये माइनस फ्रक्टोज आपका तैयार हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट। OS से S की तरफ जा रहा ना सर, उल्टा होना चाहिए ना? नहीं भाई, H से OH की तरफ जाता है हमेशा, एरो H से OH की तरफ जाता है। देखिए यहाँ, देखिए ध्यान से, इतना डाउट क्यों है आपको? देखो ये H से OH की तरफ गया क्लॉक वाइज, यहाँ एरो कहाँ जा रहा है? H से OH की तरफ जा रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डबल बॉन्ड O इधर लिख सकते हो, सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच, और ये हो गया आपका C, ये हो गया H, ये हो गया ओ एच। ये ऐसे दिखा लो, देखो जगह मिल गई आपको, ये ऐसे दिखाओ ना, ये एंटी क्लॉक वाइज है, तभी तो माइनस दिखा रहे हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे फोर्थ कार्बन से लेंगे सर, उसमें तो फिफ्थ कार्बन से लेते थे, यहाँ फोर्थ कार्बन से लेंगे। क्या चीज? नहीं फोर्थ कार्बन है, नहीं ये फोर्थ नहीं, ये एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस से कार्बन से। देखो यहाँ, यहाँ फंक्शनल ग्रुप सी एच ओ है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप सी एच ओ, इसके पड़ोस वाला कार्बन यही तो है, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है बताओ? यहाँ लगा है ना, नंबर पड़ोस वाला, नंबर नहीं देखना, नंबर नहीं देखना है, बस नजदीक देखना, रोटेशन में नंबर नहीं देखना है। लेकिन हाँ ये वाले पे नंबर देखना पड़ेगा, ये नीचे सी एच टू एच के बगल वाले का सेकंड लास्ट, नहीं डी नहीं का। हाँ बहुत सही, चलिए ठीक। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इंटू ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इतना जितना पढ़ा रहा हूँ अगर ना आए कसम भगवान की पढ़ाना बंद कर दूंगा। कन्वर्जन ऑफ, इसमें जितना दे रहा हूं ना कतई चार्ट जाना इसे, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इंटू ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इंटू ग्लूकोज। अब कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इंटू ग्लूकोज में चलिए, तो भाई साहब हमें वही है कि पहले फ्रक्टोज ही बनाना पड़ेगा। तो यहां मैं सी एच टू ओ एच ले लेता हूँ, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ ले लेता हूँ, यहां पर सी एच इधर लेता हूँ, और ओ एच इधर ले लूंगा, सी ओ एच इधर लूंगा, और एच यहाँ ले लूंगा, सी ओ एच ले लूंगा, यहाँ पर यहाँ एच ले लूंगा, और नीचे सी एच टू ओ एच, ये ले लिया मैंने। इसको पहले रिडक्शन कराऊं, इसका पहले रिडक्शन कराऊं, निकिल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एरो नीचे लिख देता हूँ रिडक्शन, तो ऊपर सी ओ ग्रुप है रिड्यूस हो जाएगा। तो जब रिड्यूस है तो ऊपर तो वैसे ही था, नीचे का मामला खतरे में आ गया, इधर ओ एच कर देना, इधर एच कर देना, आ गई सिचुएशन। देखो मिलने लगी, कुछ जादू हुआ? कुछ नहीं, आ गया डी फॉर्म में, ये सी हो गया, ये ओ एच हो गया। सूरज देखो डी फॉर्म में जाने लगा कंपाउंड, नहीं जा रहा है, यही बस खेल होता है, यही खेल होता है बस, टी में ऑटोमेटिक गया। अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, अब जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग, तो ऑक्सीडेशन HNO3 की प्रेजेंस में करेंगे। जब HNO3 की प्रेजेंस में करेंगे तो आपको पता है ये पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं हो सकता है कहीं पर भी। तो हमने फिर ऐसे ही कंपाउंड जैसा था वैसा ही बना लिया, इस तरीके से O इधर H इधर O H
इधर H और इधर यहाँ पर CH2OH। अब आपको करना क्या है, अब आपको दिमाग ये दौड़ाना भैया कि ये कंपाउंड आपका नाम, इसका कंपाउंड का नाम क्या था, इसका नाम था फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। इसका क्या नाम हो गया, सॉर्बिटॉल, मैंने पढ़ाया भी था सॉर्बिटॉल, अगर आपको याद हो तो बताओ, याद है, सॉर्बिटॉल हो गया। इसका नाम हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड, ये भी पढ़ाया उसमें, ग्लूकोनिक एसिड पढ़ाया है, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड बना है, इसका लैक्टोनाइजेशन करा दो, ग्लूकोनिक एसिड का लैक्टोनाइजेशन। तो पहले फिर दोबारा ग्लूकोनिक एसिड लिखना पड़ेगा मुझे जगह की वजह से, तो यहाँ सी डबल ओ एच लेता हूँ, यहाँ सी ओ एच लेता हूँ, यहाँ एच लेता हूँ, यहाँ सी एच लेता हूँ, यहाँ ओ एच, आवाज मेरी आ रही है, यहाँ ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर सी ओ एच, यहाँ पर एच, और यहाँ पर लेता हूँ आपका ओ, एक दो तीन चार पांच, गलत हो गया, CH2 हो जाएगा, ये हो गया, ये मेरा था। इसका मैं जैसे इसे हीट करूंगा तो हीट करने के बाद एक प्रोसेस होगा लैक्टोनाइजेशन। अब ये लैक्टोनाइजेशन होता क्या है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं ऊपर वाले इनको ऐसे लिख दूं, इनको मैं ऐसे लिख दूं, थोड़ा समझाने के लिए आपको, ध्यान दो कैसे लिखने की कोशिश करूंगा मैं, इसको ओ ऐसे लिख देता हूं, ओ एच ऐसे लिख देता हूं, तो बच्चा यहां से ओ एच उठाना और यहां से एच उठा लेना, पांचवें नंबर से ध्यान रखना, सॉरी चौथे नंबर से, इसमें लैक्टोनाइजेशन में चौथे नंबर से उठेगा, तो यहां पर ऐसे देखो, एक दो तीन चार, याद रखना, तो यहां से जैसे ही वाटर निकालोगे, जबकि ग्लूकोज में जब बनाते थे फिनाइल हाइड्रोजन बना, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे, तो वहां पांचवें से निकालते थे, ध्यान रखना, नहीं कंफ्यूजन ना कर देना अपने मन में। तो अब हमारे पास क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ तो ऐसे ही रह गया, नीचे हमने इसे छेड़ा नहीं था, इसे हमने छेड़ा नहीं था, इसे हमने छेड़ा नहीं था, इसे हमने छेड़ा था, जिसे छेड़ा था वही हरकत में था, तो इसी के बीच में एक ओ आप लगा दीजिए, नीचे इस तरीके से ओ एच हो गया, यहाँ पर एच हो गया, और यहाँ सी एच टू ओ एच हो गया। अब भगवान ने आपको दिमाग दिया है, अगर इसका रिडक्शन करा दो, आप इस कंपाउंड का रिडक्शन करा दो, तो दो नेसेंट हाइड्रोजन इसके मुंह पे ले जाके मार दो तड़ तड़ से, एक एच इधर एक एच इधर, तो सूरज क्या कंपाउंड आपको मिला जो आप चाह रहे थे, सी एच ओ ऊपर गया, उसके बाद सी एच ओ एच इधर गया, ध्यान दो, ये ओ एच इधर आया, एच इधर आया, सी एच इधर आया, ओ एच इधर आया, सी इसके बाद एच इधर आया, ओ एच इधर आया, नीचे वापसी हुई ओ एच की, यहाँ एच की, और यहाँ सी एच टू ओ एच की, ये आपको वही मिलता है जो मिलना चाहिए, जिसका नाम है ग्लूकोज। आप इस बार मान लो अनुसर की बात, 101% नहीं 500%, 500% क्वेश्चन इसमें से आएगा, चाहे वो ये पूछ लें कि ग्लूकोज से हम लोग जब फ्रक्टोज बनाएंगे तो पहली स्टेप में कितने फिनाइल हाइड्रोजन यूज होंगे, तो पता है आपको 3 यूज होंगे। आपसे ये पूछ सकते हैं कि फिनाइल हाइड्रोजन जो बना है, ग्लूकोसाजोन जो बना है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराएं एसिडिक मीडियम में तो कंपाउंड क्या बनता है, तो आपको पता रहना चाहिए ग्लूकोसोन बनता है। अगर इस कंपाउंड का नाम ना पता हो, ग्लूकोसोन बोलते हैं इसे, ग्लूकोसोन बनता है। और अगर मैं ग्लूकोसोन जो दोबारा लिखा, इसी को भी ग्लूकोसोन ही बोलेंगे, ग्लूकोसोन, ग्लूकोसोन का अगर जिंक एसिटिक एसिड तो ग्लूकोज बन ही जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता रहनी चाहिए, इसको जरूर रात में जरूर देख, बड़ा फायदा करेगी वीडियो ये वाली, मुझे पूरा भरोसा है इस बात पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अब आपको ये क्या करना है, जैसे हाँ बोलो, जैसे हम लोगों ने बोल दिया, हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं HNO3 के साथ, वहां पर कोई दूसरा सिलेक्टिव रिएजेंट नहीं डाल सकते हैं? नहीं, अगर आप दूसरा जैसे KNO4 डालना चाहो, ये सब डालना चाहो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये, जिससे पीछे आओ, यहाँ पर आप पूछ रहे हो ये, अगर आप ऑक्सीडेशन कराना है तो ये एक्चुअली में होता क्या है, आपने वीक डाला तो ये वाले ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए प्राइमरी वाला कराना है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगी आपको, और प्राइमरी वाले को कराने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा, इसीलिए, अदरवाइज अब चाहे ये कराओ या ये कराओ, एक ही बात है, ये मत पूछना सर नीचे वाला क्यों नहीं हुआ, तो ये भी करा सकते, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता, वो तो एक ही बात है, उल्टा लिख दो स्ट्रक्चर, उल्टा लिख दीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है,
उल्टा लिखने का मतलब है नीचे वाला भी अगर और थोड़ी देर गर्म कर दोगे तो नीचे वाला भी हो जाएगा, ऐसा है उल्टा कहने का मतलब मेरा। ऐसा ना समझना कि सर नीचे दो एच है फिर आप वो वाली बात कहने लगो। चलिए इसके बाद हम लोग को डाइसैकेराइड चलते हैं। डाइसैकेराइड में आपको पता है कि सबसे फेमस कंपाउंड होता है, फेमस कंपाउंड शुगर है जो आपको जानना है। तो मुझे ये बताओ कि अगर आपकी दीवार में ईंटें लगी हैं तो मैं कैसे पता करूं कि आपकी दीवार में ईंटें लगी हैं? इतना मैं कैसे पहचानूंगा कि आपकी दीवार ईंटों से बनी है? मेरा आवाज नहीं कट रहा होगा यार? हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट। ये सर कट रहे हैं सर। कोई बात नहीं, बस एक मिनट ये देखता हूँ। चलिए बताइए। हेलो बोलिए। अभी तो ठीक है। वो हो सकता है बाई चांस हुआ हो, घबराइए नहीं, आप चलती रहेगी ऐसे ही। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो मैंने डाइसैकेराइड लिया है, कोई भी कंपाउंड मैं पूछना चाहता हूं आपके की दीवार में ईंटें लगी हैं या पत्थर लगे, मैं कैसे पहचानूंगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? तो वाल को ब्रेक करके उसका लिंकेज को चेक करना होगा, क्या लिंकेज है। यानी मुझे एक काम ये करना होगा कि सबसे पहला काम कि आपके दीवार की को तोड़ करके ही पता कर पाएंगे ना। तो किसी कंपाउंड को अगर तोड़ना है तो इसका मतलब ये है कि आप अगर सुक्रोज पता करना चाहते आप उसे तोड़ के ही पता कर पाएंगे कि ये किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि सुक्रोज को तोड़िए। अब मान लीजिए मेरे पास में सुक्रोज है, चलो ये C12H22O11 है, इसमें मैंने पानी डाल दिया। जब मैंने पानी डाला तो देखा कि एसिडिक मीडियम में एक हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिला, C6H12O6 इसका नाम अल्फा डी ग्लूकोज है, और दूसरा कंपाउंड मुझे मिला C6H12O6 जिसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब इसका मतलब ये दो लोगों से मिलके बना है, तो दो लोग मैं बनाता हूँ। ध्यान दो बच्चा, सब लोग बिल्कुल दिमाग यही रखना। ये मैं सबसे पहले बना रहा हूं आपके सामने अल्फा डी ग्लूकोज। अगर आपको पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, देखो OH यहां लगाता हूं मैं, H यहां लगाता हूं, H यहां, OH यहां, फिर H यहां, फिर OH यहां, H यहां और यहां CH2OH। अब आपने क्या करना है? मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बना लिया नहीं बताओ। यस सर, बोलो बना लिया। ये तो बीटा ना है। अच्छा तो अल्फा कैसे बनेगा यार, बताओ, भूल गया मैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। OH नीचे होगा ना। अच्छा, मतलब मैं ये काम करूं कि बैरन साहू जो है राइट टाइम चल रहे हैं, मैं क्या करूं यार यहाँ? नहीं सर, हमको तारीफ अच्छा नहीं लगता, नहीं कीजिएगा। कोई बात नहीं, ये ऐसे कर दूं, ये हाँ। भी मिटाना पड़ेगा ना दयानंद, ये भी तो मिटाना पड़ेगा। हाँ वही चीज तो हम भी बोल रहे हैं, सब ऐसे यार कि जो CH2 ग्रुप और OH सेम साइड रहेगा तो ये हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, उसका अपोजिट अल्फा हो जाएगा। ये ऐसे कर दूं, सही लिखा अब? हाँ अब सही लिखा, देखो, वेरी गुड, नाइस, गुड बॉय, बहुत सही। तारीफ नहीं कीजिएगा, हमको अच्छा नहीं लगता है। नहीं, एक ही वही देख रहा था, एक ही लड़का जग रहा है। अब इसे तुम चाहे कुछ भी समझो, कुछ एक लोग थे मैंने उनसे कहा ऐसे बना दिया, पूरे कॉन्फिडेंस का रुका हुआ था मैं, एक ने भी नहीं टोका। उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि बोले लग रहा है कि यार बनाया, कुछ लोगों ने सोच लिया चुपचाप बैठे बैठे कि अनुसर ने गलत बना दिया। तो जैसे मैं जगते रहिए,
जगते रहिए। अब आप भी जब क्लास में पढ़ाते होंगे तो बच्चे के लिए कुछ करते जरूर होंगे, आप हरकत कोई ना कोई जरूर करते होंगे, चुपचाप वाली हरकत जो हो सकती है किसी से, है ना। देखो बेटा जैसे मैं कभी कभी लिख देता हूँ क्लास में जाता हूँ वन, हम गलती भी बोलते हैं ना तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। अरे यार तो बच्चे भी चुप रहते होंगे, मतलब सामने न लगे कि सही बोल रहा है गलत भी पीछे। ऐसे करके कि रामायण पूरी खत्म हो गई, सीता किसका बाप था बताओ, क्यों भाई देखो यहाँ सर आप ही बताइए हमको नहीं मालूम। देखो यहाँ बेटा ये मैंने अल्फा डी ग्लूकोज लिया ऊपर, अब बीटा डी फ्रक्टोज लिख रहा हूं। कैसे लिखूं बीटा डी फ्रक्टोज, इस बार OH उल्टा लिख दूंगा। ये मैंने बीटा डी फ्रक्टोज लिखा, OH यहाँ लिखा, देखो अब तो सही लिखा, इस बार गलती नहीं, नहीं, सर, नहीं है ये सही। अच्छा सर अब हम गलत बोलते तीन ही हम डर के मारे। अरे अब जैसे ही इसे हीट करोगे, जैसे ही इसे हीट करोगे तो ये एक बूंद जिंदगी की टपक जाएगी आपकी, देखो ध्यान से। देखिए सपना बूंद गिर रही है लेने से। अब इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा आपका वो कंपाउंड ये होगा, अब यहां कुछ नहीं बनाऊंगा, कहीं भी कुछ नहीं बनाऊंगा, सीधा मैं इसे जोड़ता हुआ दिखाऊंगा। ठीक करा मैंने नहीं करा बताओ, सीधा जोड़ते हुए दिखा दे रहा हूं, चक्कर ही नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक, ये कार्बन नंबर वन है, ये कार्बन नंबर टू है, तो इसे बोलते हैं C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो बताना कि जब दो मोनोसैकेराइड की यूनिट जिस कार्बन से जुड़ी होती हैं उसी कार्बन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं उसे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना सर। ग्लाइकोसाइडिक, हाँ बोलो बोलो। स्टार्टिंग में हमको लग रहा गलत है सर, क्या हुआ स्टार्टिंग में हमको लग रहा गलत है, वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ना होगा, शुगर शुगर में जो ऊपर में लिखे सर कॉमन इक्वेशन फ्रक्टोज है, ठीक है वो बोला मैंने फ्रक्टोज ही है लिख दिया है शायद, कोई बात नहीं मान लिया आपकी बात, ये फ्रक्टोज ही लिखा, ये बाई मिस्टेक मुझसे हुआ, ये मिस्टेक हुई है। बीटा डी फ्रक्टोज मैंने यहाँ बनाया है, तो ये बीटा डी फ्रक्टोज ही होगा, ये बीटा डी फ्रक्टोज, और ये क्या है भैया अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ये हो गया, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ये कंपाउंड बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शुगर बोलते हैं। जब इसे तोड़ोगे तो वापस यही मिल जा रहा है, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज द लिंकेज बिटवीन टू मोनोमेरिक या मोनोसैकेराइड्स एट C1 एंड C2 कार्बन एटम्स, दिस इज कॉल्ड C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऐसे ही C1 C2 की जगह क्या हो सकती है, C1 C4 भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हम आपको माल्टोज भी बता सकते हैं, अब ऐसे स्ट्रक्चर हैं बहुत सारे। माल्टोज में क्या होता है अगर आपको पता हो, कोई लोग बताएगा माल्टोज में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलता है वहां पे, कौन सा ग्लूकोज ये बताओ, हम ग्लूकोज पढ़े हैं अल्फा होगा, ये 1,4 लिंकेज होता है सर, अल्फा डी ग्लूकोज। देखो हाँ C12H22O11 को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें मिलता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ पा रहे हो, इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, इसे भी बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इन दोनों को जब बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, देखो जादू दिखाता हूं अब करना, देखो बेटा ये मैंने लिया, यहां पर H लिखा, यहां OH लिख दिया, इसका नाम लिख दिया अल्फा डी ग्लूकोज, सही लिखा गलत लिखा, इसके सामने भी लिख दिया
ये भी अल्फा डी ग्लूकोज लिखा मैंने। यहां पर मैंने क्या काम किया, इस वाले कार्बन को अगर ध्यान दोगे तो अगर चलोगे तो H H यहां OH यहां OH, मतलब यहां का समझने के लिए यहां OH यहां H, तो यहां पर OH आएगा और यहां HCH2OH। ये मैंने इसलिए लिखा जिससे आपको समझा पाऊं, यहां नीचे OH आएगा, यहां से वाटर निकाल दो, ये वाटर निकल गया। जब यहां से वाटर निकल गया तो इस बार मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, अब मैं सीधा ऐसे ही लिख दूंगा, ऐसे जोड़ दूंगा, ऐसे जोड़ दूंगा, ऐसे जोड़ दूंगा, ये बॉन्ड फ्री छोड़ दूंगा। पेपर में भी ऐसे छोड़े जाते हैं, जो सीनियर क्लास के बच्चे होते हैं वो सब ऐसे ही छोड़ देते हैं, समझ में आ जाता है कि ये बच्चा बड़ा हो गया है। ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे बना दीजिए बस। ये अब आपका कार्बन नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4, तो ये C4 हो गया, और ये वाला कार्बन 1 था तो ये C1 हो गया, तो यहाँ पर C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाते हैं। समझ गए भैया, अब मुझे इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं। इसी तरीके से आपको जैसे लैक्टोज का भी बना सकते हो, इसी तरीके से आप सेलुलोज का भी बना सकते हो, इसी तरीके से एमाइलोज का भी बना सकते हो, जिसके स्ट्रक्चर चाहोगे आप बनाते चले जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये कंडीशंस रह जाती हैं किसकी, ये कंडीशन साइक्लिक स्ट्रक्चर की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये बताओ कि एमाइल तक कैसे बनाओगे, बताओ आपने ये मॉल्टोस था, लैक्टोज बताओ आप, लैक्टोज कौन बताएगा, बोलो सर। सर बीटा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि अगर हम लोग C12H22O11 को जोड़ें या तोड़ें, हाइड्रोलाइज करें, तो एक बनता है C6H12O6 अल्फा डी, प्लस है माइनस है, प्लस ग्लूकोज, और दूसरा बनता है C6H12O6 बीटा डी ग्लूकोज। बात भैया समझ में आई, अब दोनों को जोड़ना है, तो इसके इसकी फोर इसकी ध्यान दो, इसकी फर्स्ट कार्बन जुड़ेगी, इसकी फर्स्ट कार्बन, ये ध्यान देना नहीं उल्टा लिख दो, इसकी फर्स्ट कार्बन और इसकी फोर्थ कार्बन जुड़ेगी, ध्यान दीजिएगा नहीं गड़बड़ा दो तो। इसका मतलब है सर अगर आप नहीं लैक्टोज लैक्टोज गैलेक्टोज नहीं लैक्टोज और ये पूछ रहे हो ना ये वाला, हाँ गैलेक्टोज सही है, GLA गैलेक्टोज सही है, सही कह रहे हो आप। अब यहाँ पर कैसे जोड़ना है, गैलेक्टोज की C1 फॉर्म जोड़नी पड़ेगी और ग्लूकोज की C4 जोड़नी पड़ेगी। अब कैसे बनाओगे गैलेक्टोज, ये ध्यान से सुनना मुझे, पहले मैं क्या करता हूँ, देखो मैं कैसे बनाता हूँ, अगर आप ये सीख लोगे तो हो सकता है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, अभी हाथ पे हाथ सीखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप अल्फा डी ग्लूकोज बनाना, मैं कैसे सिखाता हूँ वो समझो आप, पहले अल्फा डी ग्लूकोज क्योंकि सभी को याद है इसलिए पहले अल्फा डी ग्लूकोज बना लो, ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। इतनी बात सब लोग समझ गए, इतनी बात समझ गए, ये अल्फा डी ग्लूकोज जो मैंने बनाया, क्यों नहीं समझ में आई, अल्फा डी ग्लूकोज सही है, सही है। अब इसको मैं बीटा करना चाहूं तो दयानंद क्या करूं, इन दोनों को मैं पलट देता हूं, अब ये बीटा हो गया, अब बीटा डी ग्लूकोज बना है, अभी ये बीटा डी ग्लूकोज है, इसके फोर्थ नंबर को गिनो 1 2 3 4, अगर ये पलट दिए तो गैलेक्टोज हो जाएगा, तो तात्पर्य यह है इस वाले को मिटा दूं, इसे एच कर दूं, ऊपर ओएच कर दूं तो गैलेक्टोज हो जाएगा, तो यहां ओएच करे दे रहा हूं, यहां एच, अब ये हो गया बीटा डी गैलेक्टोज। तो अब मुझे बताओ सूरज पहले क्या बनाना चाहिए इस स्ट्रक्चर में सीखने के लिए, गलती ना हो जिससे जल्दीबाजी में, पोजीशन ना गलत हो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बताओ भाई। कोई भी बना सकते हैं सर, बताओ, बुलाओ कुछ तो बोलो यार, थोड़ा बोलोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये गलत गलत जा रहा है सर, वो दोनों बीटा ही होना चाहिए, ये गलत जा रहा है यार। गलत नहीं जा रहा है, 100% दोनों बीटा होता है सर, दोनों बीटा होता है, पक्का है नहीं तो। अब बताएंगे भाई सूरज, बताएंगे हमें
हम तो वही याद है सर, दोनों बीटा होता है। दोनों बीटा होता है, कंफर्म करो भाई कोई लोग इनकी बात को। इसमें तिरछा जुड़ता है सर, ऊपर वाला नीचे के साथ जुड़ता है। पर ये ना बीटा ग्लूकोज ही होता है, बीटा डी ग्लूकोज। देख लो एक बार, कंफर्म कर लो। मान सकता हूँ मैं अपनी गलती, मान सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे हो सकता है मैं मिसप्लेस कर गया हूँ। बताओ एक बार, देख लो यार, कंफर्म करो। नहीं इसमें कोई बहे वो नहीं है, इज्जत में इज्जत हो जाए। तिरछा लाइन जुड़ता है, तिरछा लाइन से जुड़ता है, एक ऊपर से जाता है, एक नीचे से जाता है। सही है ना, चलो चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कह रहे हैं तो हम आपसे ऐसा नहीं विरोध करेंगे आपका, कभी कभी होता है हमसे भी। ये बीटा डी ग्लूकोज ले लूं फिर, ये सही बना है, ये सही बना है। हाँ ये सही है सर। अब इसको देखो फिर, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज अगर आप बता रहे हो तो फिर ये है। देखो सपना, तुमने देख लिया इतनी देर में, लाइन भी तिरछी होगी। अगर कोई बुक पढ़ी तो देख भी लो इतनी देर में आप, यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे हुआ। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे बीटा डी ग्लूकोज बनाना पड़ेगा फिर। फिर मुझे बीटा डी ग्लूकोज बनाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। चलो तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊँ, ओ एच 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 ओ एच, यहाँ पर आएगा ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर एच, और यहाँ आएगा एच, और यहाँ सी एच टू ओ एच, यही आएगा ना। तो यहाँ से वाटर निकालेंगे। हाँ सर, ठीक है सर, लाइन तिरछा आ जाएगा, लाइन तिरछा जुड़ेगा सर, सही। नहीं वो तो ठीक है, जगह नहीं बची, मैं वो सोच रहा हूँ कि यहीं बना दूँ या आगे ले जाऊँ। थोड़ा राइट करके बनाएंगे तो बन जाएगा, राइट कॉर्नर को यूज कर लेंगे तो हम। मैं बनाऊंगा ही नहीं कुछ, मैं सिंपल ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है। हाँ सर, ठीक, बाकी आप समझदार हैं, कर लेंगे इसे, कोई दिक्कत तो नहीं। सर हो गया, बस इसका नाम लिख देते हैं लैक्टोज। लैक्टोज लिख दीजिएगा। अब मुझे एक चीज और बताइए, इसी के साथ साथ मुझे एक चीज और बताइए, और चीज थोड़ी सी डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ। जरा एक फोन बार बार आ रहा है, इन्हें बता दूं कि यार पढ़ा रहा हूं, नहीं तो ये करते ही रहेंगे और मेरा माइंड डिस्टर्ब रहेगा। एक मिनट आप समय दो। जी भाई, तो अब हमने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं, पहले मैं आपको बताता चलूं। शुरुआत से ले आता हूं यहां से। नंबर वन, आपसे एक कोई एग्जाम्पल पे डिस्कशन, मतलब एग्जाम्पल टिक करवाया जा सकता है कि कौन किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद होने चाहिए। नंबर वन इम्पोर्टेंट चीज पहली तो ये हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट जो मुझे लिखी, वो कौन सी रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, इसके एग्जाम्पल भी आ सकते हैं जो मैंने नोट्स में लगा रखे हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए
कि बताओ ग्लूकोज रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग, तो कौन बोलेगा बताओ, कौन बोलेगा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में डिफरेंस, जल्दी बोलो ग्लूकोज रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, बताइए। रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग। फ्रक्टोज कैसा है? कोई बात नहीं, फ्रक्टोज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग होगा वो, फ्रक्टोज नॉन रिड्यूसिंग होगा, ऐसा है क्या बताइए? क्यों ऐसा क्यों है? क्या फैलिंग, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उनमें क्या ग्लूकोज तो पता ही फैलिंग टॉलरेंस को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जबकि फ्रक्टोज नहीं करता है, ऐसा है? फ्रक्टोज नहीं करता है, बताओ भाई, नहीं करता है। अगर मैं चीनी की बात करूं, शुगर की बात करूं, तब नहीं बोल रहे हो। शुगर भी, अगर मैं शुगर की बात करता हूं तो ध्यान रखना, एक सेंटेंस मैंने बोला था, वीडियो देखना, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, फिर ध्यान दीजिएगा, ऑल मोनोसैकेराइड एल्डोज एंड कीटोज दोनों ही, एंड डाइसैकेराइड जितने भी हैं सब, मैंने सेंटेंस पहले ही बोला था, अब भी बोल रहा हूं, एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, समझ गए? और जो नॉन रिड्यूसिंग है वो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आप गिनती गिनोगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इनके अलावा हैं वो सभी नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन में भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। और अगर आपको पास किताब है, अगर आपके पास किताब है तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि ग्लूकोज की हर प्रॉपर्टी उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती, उसी तरीके से फ्रक्टोज की सभी प्रॉपर्टी उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। अब आप फिर पूरी बात सुन लो, फिर दोबारा बोले दे रहा हूँ वीडियो, रुक जाओ, पूरी बात फिर बोले दे रहा हूँ, वीडियो ध्यान से देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलरेंस फैलिंग रिड्यूस, फैलिंग और टॉलरेंस को रिड्यूस कर देते हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स कहलाते हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स कहलाते हैं, एक बात हो गई, ठीक है। जबकि जो उसको रिड्यूस नहीं कर पाते वो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर कहलाते हैं। एक लास्ट में पॉइंट फिर बोला था मैंने, जो कल भी बोला था, कि ऑल मोनोसैकेराइड्स एल्डोहेक्सोज एंड कीटोज, ठीक है, एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट शुगर आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। मैं रुक के इसलिए बोल रहा हूं, गलती ना हो। तो अब ये बताओ दयानंद, अब तो फ्रक्टोज या रिड्यूसिंग में चला गया, ये तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, रिड्यूसिंग हो जाएगा तो। सर एक चीज पूछना था यहाँ पे कि जो टॉलरेंस और फैलिंग रिएजेंट पॉजिटिव दे रहा है तो वो तो हम रिड्यूसिंग, लेकिन जो 2,4-DNP टेस्ट अगर पॉजिटिव नहीं दे रहा तो किस में आएगा? तो वो 2,4-DNP का एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है, 2,4-DNP फ्री होना चाहिए। हाँ, कार्बोनाइल ग्रुप फ्री होना चाहिए तभी टेस्ट देगा वो 2,4-DNP टेस्ट, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब 2,4-DNP टेस्ट कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा तब? हाँ, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा, जब इसीलिए ऑक्साइम का जो टेस्ट किया गया था तो ऑक्साइम का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा था। और दूसरी बात आपको और बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ कि अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं ब्रोमीन वाटर के थ्रू तो जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, एसिड बनाता है, जबकि फ्रक्टोज जो है वो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, जो मैंने अभी पढ़ाया HNO3 काम करेगा, अदरवाइज काम ही नहीं करेगा। और एक डिफरेंस बता देता हूं, अगर हम लोग ग्लूकोज को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो ब्राउन कलर का रेजिन बनता है, जबकि फ्रक्टोज ऐसी कोई गंदगी नहीं करता है। ये दोनों डिफरेंस हैं, इम्पोर्टेंट हैं। फ्रक्टोज जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए उतना नुकसान नहीं करता है जितना नुकसान ग्लूकोज करता है, जितना नुकसान ग्लूकोज करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं सब? नहीं समझ पा रहे मेरी बात को?
ये चीज सर है। शुगर को कॉन्ग के कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड से कहते हैं ट्रीट, तो ब्लैक कलर हो जाता है, इसके रीजन क्या होगा? कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मैंने कल ये अभी 15 दिन पहले किया था, बहुत अच्छा फ्लावर पॉट बनता है। हाँ, ब्लैक ब्लैक कलर का दम ये बनता है। अब बिल्कुल बनाया है मैंने, बहुत बढ़िया बनाया, मैं फोटो भेज दूंगा तुम्हें। C12S22O11 नहीं सर, हम भी लैब में किए तो बहुत अच्छा एकदम अच्छा से बनता है, फोम का फॉर्मेशन होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक। हाँ, तो 12 कार्बन अलग और गंगाजल उड़ जाता है नीचे बैठा दो सर। इसमें डिहाइड्रेशन होता है? हाँ, इसमें डिहाइड्रेशन वाटर जो होता है वो ये यही तो प्रॉपर्टी शो करता है, दिस इज द डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कॉन्क्रीट। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस, गुड बॉय, गुड बॉय, नाइस, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से बात करिएगा। अब दूसरी चीज मुझे ये बताइए, रुक जाइए, अब आप थोड़ी देर शांत रहिए, मैं अपनी बात। इसे हम लोग चेयरिंग ऑफ शुगर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? चेयरिंग ऑफ शुगर, अगर आपको ध्यान चेयरिंग आपने पढ़ा, बर्न टू कार्बन, बर्न टू कार्बन चेयरिंग कहलाता है। हाँ, बर्न टू कार्बन बिल्कुल बोल सकते हैं। अब ये बताओ, मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने डाल रहा हूँ, जरा बताना, फिर अगला मैं आपको क्वेश्चन आज इसकी पीडीएफ कल सुबह में भेज दूंगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर वन, ये एनोमर है। नंबर यही आंसर है सर, यही आंसर एनोमर ही है। अच्छा, ये इनेंशियोमर है, कोई बात नहीं। सी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और डी, ये ईपीमर्स है। बताइए। इसमें तो ए और डी दोनों सही लग रहा है। जयराम भाई ने बोल दिया सर, बोल दिया जी सर, ए और डी दोनों लग रहा है सर। नहीं नहीं, डी नहीं, ए ही है, वो सही बोल दिया। एनोमर्स आर दोज, सुनना ध्यान से, मैं क्यों बता रहा हूं क्वेश्चन, एनोमर्स आर दोज, ठीक है, कंपाउंड्स विच डिफर इन देयर कंफ्यूरेशन एट द कार्बन नंबर सेकंड। जो कार्बन नंबर सेकंड पर अपने कंफ्यूरेशन से डिफर कर रहे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो। एक एक जैसे जो कार्बन नंबर इसमें होगा वही उसमें होगा, उस पोजीशन को जब डिफर करते हैं, अल्फा डी पोजीशन, बीटा डी पोजीशन जब बन जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। कन्फ्यूगरेशन में डिफरेंस आना चाहिए तब एनोमर्स होंगे, अदरवाइज वो एनोमर्स नहीं कहलाएंगे। अच्छा, ईपीमर्स क्या होते हैं बताना सूरज, व्हाट आर द ईपीमर्स? सर C1 और C5 के अलावा जहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है उसको ईपीमर्स बोलते हैं। बोलो सूरज। C2 और चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा, व्हाट आर द ईपीमर्स, व्हाट आर द एनोमर्स, इनकी डेफिनेशन अभी टाइप करके मुझे भेजिए। व्हाट आर एनोमर्स, टाइप करना है, मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। दूसरी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और लास्ट में व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, म्यूटा रोटेशन, सूरज आएगा नहीं आएगा, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, इनमें से एक पे एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू बनेगा। इनकी मुझे डेफिनेशन प्रॉपर वे में लिख करके, चाहे पन्ने पे फोटो खींच के भेज दो या टाइप करके भेज दो, जैसी आपकी इच्छा हो, मैं आपके इसका वेट करूंगा 10:10 के बाद से, 10:10 फ्री होऊंगा तो फिर मैं आपका ये देखूंगा कि आपने कितने लोगों ने भेजा है। सर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया क्या? कार्बोहाइड्रेट में अब मैं देखता हूँ कुछ क्या चीज मुझे लगती है कि मैं जो चैन शॉर्टनिंग, चैन लेंथनिंग और रफ डिग्रेडेशन ये सब नहीं कराइएगा क्या? ओल्ड मेथड अभी देखता हूँ, देख के बताऊंगा अभी, ठीक है? अभी मैंने बोला ही नहीं, खत्म कर दिया मैंने, मैं देखूंगा अभी सिलेबस में। नहीं नहीं, कल बोले थे कि कल कंप्लीट कर लेंगे, इसीलिए नहीं नहीं, अभी जरा सा बचा हुआ है, कल देखता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक। ऐसे नहीं खत्म होगा, जब तक मैं पूरा नहीं, कल 2 घंटे का है सर क्लास। कल मैं बताऊंगा बेटा, कल बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कुछ, कल बताऊंगा, ठीक है? ठीक, ओके, बाय।